जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑप्शनों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन के बारे में हमने पहले भी कई बार बात की हुई है, लेकिन चूंकि इन दिनों लगातार इस पर अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग रहा है, इसलिए अभी इसके बारे में बात करना जरूरी है। चूंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में 20% का अपर सर्किट लग रहा है और आज भी तकरीबन 10% के आसपास अपर सर्किट इसमें लगा है। एक बात पहले आपको मैं बता दूं कि जो लोग अभी बाई करना चाहते हैं, चूंकि ये अपर सर्किट में चल रहा है तो अभी तो आप बाई नहीं कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी सवाल ये है कि क्या अभी हमें इस स्टॉक को बाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब आप किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरा जो तजुर्बा कहता है, आप तब बाई करना चाहते हैं जब उस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होता है या काफ़ी बढ़ गया होता है तब। तो अभी तो बढ़ते हुए जब इसका क्रम चल रहा है, प्राइस लगातार बढ़ रहा है 10-10% या 20-20% के अपर सर्किट में, इस स्थिति में अभी आपको बाई करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, अपर सर्किट लगा है तो आप वैसे भी बाई नहीं कर सकते हैं, आपको इंतज़ार करना होगा अपर सर्किट हटने का। अब मोटिव ये है कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो मेरा यदि तजुर्बा आप जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि, या मेरा यदि आप सुझाव जानना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, क्योंकि इसमें पंप एंड डंप का खेल चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो बताया था कि इसका फंडामेंटल काफ़ी वीक है, यहाँ तक कि इस क्वार्टर के यानी कि सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं इसमें भी कंपनी की कोई कमाई नहीं हुई है। और ये पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो कमाई हो रहा है बिल्कुल 0-0 हो रहा है। जब कमाई नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं होगा। कंपनी पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे तो लॉस में है। कंपनी के ऊपर कर्जा पिछले कुछ समय में कम जरूर हो गया था, लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे, सितंबर क्वार्टर में, तो कर्जा थोड़ा सा बढ़ा है, तकरीबन 13 लाख के आसपास। रिजर्व तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रमोटर्स इस कंपनी में इस क्वार्टर में बढ़ते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि पंप एंड डंप का खेल चल रहा है, जिसकी वजह से प्रमोटर्स क्या करते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स को एकदम निचली लेवल पर बाई करते हैं, और चूंकि प्रमोटर्स काफ़ी हेवी मात्रा में किसी कंपनी के शेयर को बाई करते हैं, तो उनके लिए यदि पॉइंट कुछ पॉइंट पैसा भी बढ़ता है या 1-2 रुपये भी बढ़ता है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है प्रॉफिट कमाने में। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, निचली लेवल पर बाई करते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है वहाँ पर बेच के निकल जाते हैं। तो उनके पास तो अधिक मात्रा में शेयर होता है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकलते हैं, लेकिन फंस जाते हैं बेचारे हम जैसे रिटेल निवेशक। तो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना होगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लायक वो कंपनी है भी कि नहीं। तो ये कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से पंप एंड डंप का खेल चल रहा है, रिटेल को फंसाया जाएगा, इसलिए आप अभी इस कंपनी से बचिए। जब इसका फंडामेंटल बेहतर होने लगेगा, फंडामेंटल में सुधार होते हुए दिखेगा, तब आप फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बेसिस पर इसमें एंट्री लीजिएगा। ये नहीं कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, अपर सर्किट को अपर सर्किट लग रहा है तो हम भी इसमें घुस जाएं, आप फंस जाइएगा। बाकी मेरा जो सुझाव मैंने बताया, आगे आप जो करना चाहें वैसे कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा। अगर आपका मन है बाई करने का तो जब अपर सर्किट हटेगा तो बाई कर लीजिएगा, यदि रिस्क लेना चाहते हैं तब, और उतना ही पैसा लगाएगा जितना डूब जाए तो आपको बाद में तनाव नहीं हो। तो महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन के बारे में मेरा यही ख्याल है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। बाकी आगे आप और कौन से वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।